7:10 सुबह के, मैं भी याद सकती उठ गया, मुझे भी यकीन नहीं था क्योंकि यार हमारी ट्रेन थी 6:30 की। उठा तो मैं 6:30 के लिए था कि ट्रेन में पकड़ लूँगा, बट मिस हो गई तो फिर हमने लेट पकड़ी। तो भाई आज हम जा रहे हैं इप्से, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर यार मुझे है ना जितनी एक्साइटमेंट है उससे ज़्यादा तो नींद आ रही है, क्योंकि कल रात को 2 बजे सोया, फिर 4:30 बजे फिर उठ गया ट्रेन पकड़ने के लिए, और मैं 4:30 उठ भी गया और फिर भी ट्रेन मिस हो गई। गुस्सा इतना आ रहा है ना, बस क्या बताऊँ कि नींद भी ख़राब करी, ट्रेन भी नहीं मिली। चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो भाई आज हम जा रहे हैं इप्से, एंड बड़ी मतलब वहाँ की फेमस लेक है इप्से लेक, वो देखेंगे। यार बहुत सुना है, मतलब सुना क्या, हर जगह जहाँ भी लिखते हैं ना टूरिस्ट सेक्टर अट्रैक्शन बायरन का, तो इप्से आता ही आता है टॉप पर। तो आज जा रहे हैं इप्से, सब कुछ दिखाते हैं कैसे क्या है। मतलब वाइडन से पहले हमें जाना है रेगन्सबर्ग, रेगन्सबर्ग से म्यूनिक, देन वहाँ इप्से, मतलब जितनी भी जो अच्छी जगह है ना वो सब कुछ म्यूनिक से कनेक्टेड है। तो भाई अब बस जा रहे हैं, घूमेंगे भाई, एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई लंबी ट्रेन होगी ना 2-3 घंटे वाली, मैं तो पहले सोऊंगा, नींद पूरी करूँगा, फिर अच्छी तरह घूमूंगा। इसके बाद ये गार्मिश उतरेगी, देन हम पहुंचेंगे इप्से। और भाई बाहर के जो नज़ारे आ रहे हैं ब्यूटीफुल, अभी तो जंगल है बट वैसे अच्छे हैं। पता नहीं यार बस नंबर क्यों नहीं मिल रहा, सबसे मेन प्रॉब्लम यार नई जगह आती वही हमेशा की तरह, एक तो है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ नहीं आता। बट जैसे इप्से आए हैं तो भाई यहाँ ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप जो स्पीड से आ सकते हो, मतलब क्या होता है, चलो चलो फिर वहीं चलो, डिसअप कर दिया ना दोबारा, मैं कह रहा हूँ मतलब उसकी 70 यूरोज़ की वो होती है आपकी टिकट, फिर उससे आप सबसे टॉप पे जा सकते हो और नज़ारे ले सकते हो। रुक जाओ भाग जाऊँ पहले, और अभी बट हम जा रहे हैं इप्से, मैं कह रहा हूँ यूरोप ही रहेगा हमेशा। योर बहनो वेलकम टू अ न्यू वर्ल्ड, बताइए फोटो नहीं खींच रहा लोग बना रहा हूँ, रुको फ्रेम में फोटो खींच लेना, जो स्पिट्स आ गया ठीक है, आए शाबाश दो भाई, जगह भाई और उनकी बहनों यार, पर जगह सही में भाई बहुत सुंदर है यार। यहाँ से भाई जाती है जोक्सपिट्स के लिए, मतलब ऑन द टॉप ऑफ द जर्मनी। हम थोड़े गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हमने टिकट नहीं ली 60 यूरो की टिकट थी। अरे मजाक की बात है भाई, किसी और दिन चलेंगे वहाँ। भाई आफ्टर 2 आवर्स वी फाइनली गॉट द टिकट, भाई बड़ी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है पहाड़ों के साथ फोटो, ये स्नैपचैट वाले हैं भाई। भाई यहाँ से मतलब आपको टिकट लेनी होती है, इट्स जुक्सपिट्स प्लाट्स, मतलब बान ऑफ है यहाँ का, तो यहाँ से टिकट ये लेनी होती है जब भी आप आगे जा सकते हो इप्से या जुक्सपिट्स, यहाँ से टिकट लेकर। बस अभी ट्रेन है एंड वी आर गोइंग टू इप्से, हमारी टिकट है, हमें आना स्कैन करनी होती है यहाँ। भाई स्कैन क्यों नहीं हो रही,
सो भाई ये स्कैन हो गई एंड हम निकल गए। ये है हमारी ट्रेन, अब इसमें बैठ के नज़ारे देखेंगे। भाई ये ट्रेन वो एस्थेटिक वाली ट्रेन नहीं लग रही, एस्थेटिक जा सिमरन जा हादे। We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not. फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड इप्सी एंड जो व्यू आ रहा है भाई क्रेजी यार, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। कैसा व्यू आ रहा है लेक का दिखाने से पहले आप बताओ अपना रिव्यू बताओ। मौसम कैंड है भाई, क्या ये भी कैंड है कैंड है बट यार सही में बहुत ज़्यादा क्रेजी है भाई। लोग ये देखो भाई एंड उधर लेक का भी पास जाके दिखाएंगे आपको, बट द व्यू इज़ रियली ब्यूटीफुल भाई। ये दिस इज़ द ओवरऑल मैप, मतलब सब कुछ है इसमें, लोकेशन वगैरह। और जो जो एक्सपर्ट्स की जो वो आती है ट्रॉली आती है वो भाई इस पॉइंट से आती है पूरे बिल्कुल ही टॉप से, फिर जो ये रेड लाइन फॉलो हो रही है ना सीधा नीचे इप्सी और ग्रेनाउट और बिल्कुल ही फिर ये नीचे आउट बान ऑफ जहाँ भी हम खड़े हैं भाई। बहुत ज़्यादा क्रेजी प्लेस है ये, मतलब इतनी ऊपर से सीधा डाउन। रुको रियलिटी में दिखाता भी, यहाँ से दिख भी जाएगी भाई। जैसे आप देख सकते हो ये जो टॉप है ना, यहाँ से मतलब ये जो वाइट लाइन है यहाँ से ट्रॉली आती है एंड पूरा ये लाइनिंग जारी और सीधा यहाँ पर एग्जिट होता है। मतलब भाई इतने ऊपर से नीचे आ रही है और बिल्कुल ही टॉप पर है, और वो देखो क्रेजी यार। भाई जितना सुंदर कह रहा हूँ ना उससे ज्यादा सुंदर है। जर्मनी में अब देखते हैं बहुत मजा आएगा भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कर रखी है पर मजा आएगा। कौन सी वाली में? वो वाली पैडल वाली है, वहां चलेंगे। ठीक है डन भाई, मजा आएगा बहुत ज्यादा। और जो सीन आएंगे ना, बस अभी खड़े हैं यहाँ से टिकट लेते। ये टिकट सेंटर है और यहाँ से मतलब ये लाइन वगैरह लगी हुई है। ये सब यहाँ के प्राइजेज है, ये मैक्सिमम 4% 13 यूरो 18 यूरो एंड दिस। तो भाई बस अब लेकर चलते हैं बोटिंग करने। हमने जैकेट ले चुकी है लाइफ बोट्स की, मतलब डूब गए तो बच जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये भाई सारी मतलब पैडल वाली बोट है और अब यहाँ से भाई मतलब पूरा घूम फिर के आएंगे। एक नंबर का क्रेजी फन होएगा यार। और वहाँ देखो लोगों को क्या कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, शाबाश।
भाई पहाड़ों की वादियों के बीच में हमारा आलू का पराठा चल रहा है। चीयर्स भाई, चीयर्स चीयर्स पराठा, चीयर्स भाई। अच्छा प्रोस्ट होता है, लो कर लो फिर, जल्दी आ जाओ फिर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ भाई, सारे आओ, अरे आ जाओ, व्लॉग लंबा हो रहा है। डन भाई, लो भाई अब खा। अच्छा दोबारा करना है, लो आ जाओ भाई जल्दी आओ। डन, आवाज एंजॉय योर आलू का पराठा। कैसा लग रहा है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ब्रो? Awesome, तुम बताओ भाई कैसा लग रहा है? जेर गुड बंदा, बहुत ज्यादा भाई, मीठी मीठी हवा चल रही है यार, आराम से बोट चल रही है खुद ही पानी की फ्लो में, पैर ऊपर कर रखा है और हवा जो को फील करो भाई, हवा को फील करो और इस नजारे को देखो यार, चश्मे हटा लो जब ये नजारा दिखेगा, मतलब जिसका 360 व्यू है ना यार, अच्छे ज्यादा अच्छा। भाई हमारी बोटिंग हो चुकी है, इट वाज सो फैबुलस, मतलब मजा आ गया, एक तो पानी और ऊपर से ठंडा ठंडा हवा चल रही थी, जो क्या दिखा रहे हो भाई, अलग ही मजा। और एक इन बच्चों की स्नैप पे खत्म नहीं होती, चल अरे आगे आइसक्रीम टाइम भाई, बिग नंबर की मजा, क्या हो गया? अच्छा चॉकलेट बॉय, वेट ब्रो, आइसक्रीम खाने का ना मजा ही अलग है ना भाई, ऐसे सामने पानी हो ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, अलग ही फील है भाई, नेक्स्ट लेवल वाइब। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अच्छा साढ़े नाल लैश करोगे, अच्छा नहीं भाई पर अलग मजा आ रहा भाई, पेड़ के नीचे आराम से बैठो मौज करो। एक और नई चीज, पैराग्लाइडिंग भी। भाई अब हमारी ट्रेन है 17:05 पे, सीधा म्यूनशन, म्यूनशन से माइनबर्ग चलते फिर सीधा घर, पता नहीं यार कब आएगी ट्रेन, थक गया आज तो, है ना भाई? आ रही बस 10 मिनट में, 10 मिनट में आ रही है, कांटेक्ट कर लिया था। अच्छा अप्रोच ही इतनी है मेरे भाई की, डीबी में फोन करते हैं कि कब आ रही है, देखा बोल दिया ना, देखो अनाउंसमेंट हो रही है। अरे यार मैंने कहा आपकी तो अप्रोच की बात ही अलग है, सिक्का चलता है मेरे भाई का। बस अब चलते हैं यार घर। कह रहा हूँ हमारी जिंदगी दो जगह के रुक गई, एक ट्रेन में और एक सोने में, सुबह देखो ट्रेन में, शाम को देखो ट्रेन में, रात को देखो ट्रेन में। चलो अभी बहुत हमने घूम लिया, अभी ये बात अब करेंगे क्योंकि अब एग्जाम आ गए हमारे, अब खाली मंदिरों के चक्कर लगे, भगवान पास करवा दो, टाइम के हिसाब से हम पलट जाते हैं, जब पेपर नहीं होते घूमते हैं, पेपर आती भगवान के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी हमने भगवान को याद किया था, बोटिंग कर रहे थे यार, क्या बताऊँ, बोटिंग करते हुए पानी और बोट इतना था बस प्लेटफॉर्म बोट का, हल्की सी भी वेव आती थी ना पानी आना बोट में आ जाता था, वही। पर एक बार भर भी गया था पानी यार बोट में, पका ले भाई पलटे आज तो एल लगने वाले थे। अरे यार क्या बोलूंगा, एक बार तो ऐसा हो गया था मगले डूब गया और हम अपने स्टेशन में कि हटाओ ये लाइफ जैकेट हटाओ, बट छोड़ो जैसा भी था, जब आने सारे किनारे में पहुंच गए फिर बस हम तो भगाई और ऊपर से एक और हरकत करी, हमारा टाइम था 1 घंटे का, बोटिंग करके आए 1 घंटा 15 मिनट, हमारे डर था पैसे लेगा, चुपचाप मक्खन लगाया बंदे को, जैकेट दी, भाग गए और जाके आइस खाई, फिर आइस मतलब अरब गला बिठा लिया,
आई से बर्फ से उठा कर गई थी। अब गला बैठ गया, अब फिर गर्म पानी पीना पड़ेगा गर्मी में। सो ठग लाइफ है हमारी, सैड लाइफ। जिंदगी में अच्छा नहीं हो रहा है। चलो कोई काम धंधा कर लो भाई, अभी काम धंधा, काम धंधा है ही नहीं यार, कहाँ से करे। गोरो 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 से ज्यादा तुम नजारे ले रहे हो भाई। इतना तो जर्मन भी नहीं घूमा जितना हम घूम, इतना स्नैपो में तुम्हें उनको इतना दिखाया है। वो सोच रहे हैं कौन कौन सी जगह घूम रहे हैं भाई। भाई मैं कह रहा हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे इतना पूछते हैं भाई कहाँ घूमता है तू इतना। जो बच्चे एक एक साल से हैं वो इतना नहीं घूमे जितना मैं पांच महीने में घूम गया। तीन साल वाले भी हैं, तीन साल वाले भी हैं। वो भी नहीं इतना घूमे, अब आए वो घूम रहे। तीन साल है भाई, मेरी इंटर्नशिप लगने वाली है, ज्यादा बस होना की फेल ही हो रहा हूँ भाई। तीन साल में इतना नहीं घूमे जितना पांच साल में मैं घूम गया। आधा जर्मनी कवर कर लिया भाई मैंने, अब धीरे धीरे करके पूरा जर्मनी, फिर उसके बाद सीधा कहीं और। नहीं अभी अच्छी अच्छी पेरिस टूर में है, पेरिस लक्ज़मबर्ग स्विट्ज़रलैंड, अभी ये बाकी है। पोर्टुगल, पोर्टुगल बस उसके लिए पैसे नहीं है। कोई नहीं, पैसे भी आएंगे, भगवान बैठा है। बोला बाबा दे दे नोट चापण की मशीन ढूंढ रहे, वही मशीन ढूंढ रहे। 3 मिनट का We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the. So finally, guys, we are in the room, and bhai, bahut zyada thak chuke hain kyunki Germany mein matlab चलना ही होता है हर जगह, वहाँ से वहाँ चलो, फिर वहाँ से दोबारा ट्रेन से बस, बस से फिर ट्रेन, और फिर जो भी एक्सप्लोर करना है सब चल के होना है। तो भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एंड वी आर एट द होम। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं एंड। भाई अगर सब्सक्राइब नहीं कराओ तो प्लीज़ कर दो, एंड भाई लाइक भी कर देना। मीट यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।